हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं गांव से हूँ और गांव की वीडियो दिखा रहा हूँ अपने यहाँ के खेतों की। मेरे फ्रेंड बोलते रहते हैं कि यार अपने गांव के गांव मतलब ले चलो और हमें दिखाओ अपने गांव कैसे हैं। वो शहर से हैं, कोई फरीदाबाद से, कोई दिल्ली से, कोई भरतपुर से है। कई लोगों ने मुझसे बोला था, एक पंजाब से भी हैं, तो उन्होंने बोला था कि कैसे हैं गाँव, हमें दिखाओ थोड़ा और कैसे होते हैं खेत, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वास्तव में ही अच्छा है। मैं दिल्ली वैली जाता रहता हूँ, रहा भी हूँ। दिल्ली है और उधर साइड भरतपुर भी है, और कई शहरों में रहा हूँ, तो जाता रहता हूँ, अभी भी जाता रहता हूँ। तो मैं अपने यहाँ के दिखाऊंगा आज आपको, आप सब भी देख लीजिए और वो भी देख लेंगे। उनके लिए ही बना रहा था ये वीडियो, लेकिन अब मैं सबके लिए डालूंगा, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ इसको। तो देखिए कैसे होते हैं हमारे गाँव के खेत वेत। ये देखो, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये होता है हमारे जो भैंसें होती हैं, पशु होती हैं, जो गाय भैंस कटिया उनके भैंस लिए कटिया वो होता है, हरियाणा में उसे कटिया बोलते हैं शायद। तो ये होती है बरसम, बरसी या बरसम, दोनों प्रकार के नाम हैं इसके। तो ये है वो, इसके लिए वो डालते हैं। और ये है हमारे गेहूँ, गेहूँ मतलब व्हीट, जो हम अपने खाने के लिए लगाते हैं। इसमें पूरे खेत में गेहूँ है, उस खेत में भी गेहूं है। ये मोस्टली सभी खेतों में गेहूं है, इधर वीट है पूरे में। इधर जो ये ज़्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये लाया है, लाया मतलब सरसों, उससे तेल निकाला जाता है, सरसों है। और मैं करीबी से दिखाऊंगा सरसों, जब बड़ी होती हो उसे दिखाऊंगा। उधर साइड है वो, दूसरी साइड मेरे पीछे, तो उसे भी दिखाऊंगा। और देखो, मुझे यहाँ से, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं शहर में भी जा चुका हूँ। तो शहर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, जैसे कि ये दिल्ली। दिल्ली नॉट ओनली पॉल्यूशन बाय द मतलब गैसेज का ही नहीं, बल्कि साउंड पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं अगर 1-2 सेकंड के लिए भी शांत हूँ ना, तो देखो कितना शांत एरिया है। ये देखो, मैं चुप हो जाता हूँ 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। इतना शांत एरिया है, इतना अच्छा लगता है। मतलब हमें, हमारी बॉडी ऐसी लगती है एक्सपेंड कर रही हो, मतलब एक्सपेंड हो रही हो हमारी बॉडी, एकदम खुले हो जाते हैं कान, आईज, माउथ, हमारी नोज, मतलब हम फ्रीली सांस सांस ले सकते हैं। ब्रीदिंग बहुत अच्छी करते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। इधर बहुत अच्छा है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग हमारे हैं जो शहरों में, मतलब एक मुझसे मतलब छोटे थे, उनसे पूछा था कि आलू कैसे होता है, तो वो ये कह रहे थे पता नहीं कौन सी फैक्ट्री में बनता है आलू। तो उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि आलू कैसे होता है, वो ज़मीन में ही होता है। वो समझते हैं कि ये बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कोई फैक्ट्री या कंपनी में। वो ऐसा नहीं है, वो फसल है ये, वो ज़मीन के अंदर होता है। वो भी दिखा दूंगा मैं, वो भी बोए हुए हैं, मतलब धरती में बीज डाला हुआ है, अभी वो उगे नहीं है, उगेंगे तब मैं दिखा दूंगा। और टाइम बाय द टाइम मैं दिखाता रहूँगा कैसी हमारे यहाँ की ये सब कुछ है, नेचर हमारे यहाँ का सब कुछ। और उधर देख रहे होंगे आप, देखो गौर से दिखा दूँ, ये पीले पीले जो दिखाई दे रहे हैं वो सरसों हैं, सरसों की फसल, सरसों की फसल, जो मस्टर्ड ऑयल निकलता है, मतलब सरसों का तेल निकलता है खाने का, वो है वो। और ये रास्ता है हमारा, कच्चा रास्ता है हमारे यहाँ पे, कच्चे हैं। देख लीजिए भारत गांव में कैसा लगता है, गांव का भारत ऐसा होता है जी। ये देखो हमारे ये कच्चे रास्ते हैं, यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से ही जाते हैं। ये बाइक है मेरी, यहाँ से आया था इससे, और ये रास्ता है, ये वो रास्ता है, इससे आया था। सुबह सुबह आता हूँ मैं यहाँ पे, वॉक वॉक करता हूँ, रेस भी लगाता हूँ इसी पे। हालांकि बहुत गड्ढे वड्ढे हैं, ऊंचा नीचा है, डंपिंग रोड, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हाथ पैर में मोच आ जाती है कभी कभी, लेकिन आदत पड़ जाती है हम लोगों को, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे। चाहे गड्ढे में चले जाएं, हम ऊपर आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ ये पुलिया है, इन पे डिप्स विप्स लगा लेते हैं, पुशअप्स। और वो कहते हैं, मैं उनके लाए के भी वीडियो बना के डालूंगा किसी दिन, बड़ी बड़ी फसल की सारी। अभी मैं इसी से परिचित करा रहा था। और क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी उस लाई के पेड़, लाई के खेत के पास में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि छोटे लाई के पेड़ कैसे होते हैं। ओके, सो प्लीज़ वेट, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो मस्टर्ड ऑयल के जो पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे, जिसे सरसों बोलते हैं, वो उसकी फसल है ये।
ये देखिए ये फसल कितनी अच्छी लग रही है, मतलब यहाँ कोई पॉल्यूशन नाम की चीज नहीं, इतना फ्रीली सांस ले रहे हैं हम यहाँ बहुत ज्यादा। आपने शायद सुना होगा बथुआ, बथुआ नाम की एक सब्जी होती है, वो पेड़ होते हैं, वो इस खेत में मतलब लाही की सरसों के खेत में और उस गेहूं के खेत में, इन दोनों में ही होते हैं, इसी टाइम पे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है वो सर्दियों में ही होते हैं, तो होता है वो बथुआ नाम की वो सब्जी बनाई जाती है उससे, वो फ्री खाते हैं हम यहाँ से, तोड़ तोड़ के ले जाते हैं तो हमारी सब्जियाँ बन जाती हैं फ्री में, बहुत टेस्टी लगता है, लाइक चने की सब्जी। तो इसका देखिए थोड़ा बड़ा हो गया ये पेड़, हल्का सा बड़ा हुआ है, तो इसकी फूल वूल आ रहे हैं, ये देखिए फूल आ रहा है इस पे। अरे इसे हाथ से दिखाता हूँ, अरे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, हो गया, ये देखो फूल इस पे आ रहा है, ये देखिए है ना, तो फूल है सरसों का, कितना अच्छा लग रहा है हिलता हुआ। ओह माय गॉड, हवा चल रही है हल्की हल्की और टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत अच्छा लग रहा है, चमकीली धूप है और ज़्यादा धूप भी नहीं है, तो मैं परेशान हो जाऊँ। और शायद इन दिनों में कोई आपका दोस्त हो या फिर मैं हूँ दोस्त, कोई बात नहीं, कभी घुमाने लाऊंगा आपको भी अगर चाहें तो आप। और हमारी तरफ ये देखिए, हमारे यहाँ के पेड़ों को ये देखिए, ये पेड़ है कितना मतलब डेंस है ये, मतलब इसकी पत्तियाँ देखो कितनी घनी है, कितना डेंस है ये पेड़, इतने ये सारे पेड़ लगे हुए हैं इधर, वो देखो ये सारे पेड़ लगाए जाते हैं, ये बहुत सारे पेड़ मतलब लगाने का इन द सेंस ये खुद से उगाते हैं, उपजते हैं और फिर इनकी रखाने लग जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए इसमें से पानी आता है, ये बहुत गहराई में, बहुत इन द सेंस 7-8 फुट होगा इसमें होता है, ये उसे बोलते हैं नाला नाइम टाइप, इसे नाला या फिर एक छोटा नेम होता है बम्बा, बम्बा गांव में बम्बा बोलते हैं इसे। इसमें ऐसे पानी आता है, इसमें सिंचाई होती है, इसमें भी पानी दे दिया है, इसमें सिंचाई की है ना, इसमें सिंचाई की है। और ये देखो कितने अच्छे सुंदर पेड़ हैं, थोड़े थोड़े लहरा रहे हैं, मतलब हवा चल रही है ना, ये देखिए लहरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पेड़। कभी आना मैं घुमाऊंगा आपका दोस्त, तो मैं कभी फिर देखो उधर वो लगे हुए हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, वो औरतें लगी हुई हैं कुछ काम कर रही हैं खेतों में, ये देखिए ये कुछ, मेरा क्लियर नहीं है मेरा कैमरा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन कुछ काम कर रही है, फावड़ा चला रही है एक औरत, शायद पानी दे रहे हैं वो, पानी ही दे रहे हैं, हाँ पानी दे रहे हैं, जैसे इस खेत में लगा हुआ है पानी वैसे ही। ये है बेरिया का पेड़ जिसपे बेर लगते हैं, अभी ये छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो पेड़ देगा ये, वो सॉरी फल देगा, सॉरी ये फल देगा बेर, ये बेरिया का है, हालांकि बेर लगते हुए भी दिखा दूंगा मैं, उस साइड है जहाँ पे मैं बाजार के लिए जाता हूँ। ये नीम का पेड़ है जो सिंगल देख रहे हैं आप, ये वाला उधर नीम का पेड़ है, ये वाला, और बहुत सारे पेड़ हैं नीम के, तो ये बबूल है, बबूल का पेड़, ये बबूल का पेड़ है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और इस चैनल को जो मैंने स्टार्ट किया है अभी, इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और वीडियो भी डाला करूँगा आपको गांव की। मैं मथुरा से हूँ, मथुरा गोवर्धन उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे जितने भी राजाओं महाराजाओं के महल मंदिर जो भी थे उनके बारे में बताऊँगा। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, लाइक एंड शेयर, और आगे भी गांव के बारे में बताता रहूँगा, क्या क्या है, फसलों के बारे में बताता रहूँगा, कैसी फसलें होती हैं, कब कटती हैं, कटने पर कैसे काम करते हैं मजदूर खेतों में, और क्या स्थिति होती है उनकी, कितना वेजेस मिलता है, उनसे भी बात कराऊंगा, आपसे भी बात कराऊंगा, और खेत के मालिक से जमींदार से भी बात कराऊंगा, और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा गाइस। तो आगे जैसे जैसे ओरिजिनल दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं कहीं से मतलब फोटोज डाल के दिखा दूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं, जैसे जैसे टाइम आता रहेगा वैसे वैसे मैं दिखाता रहूँगा। अभी ये फसल है, ये रबी की फसल बोलते हैं इसे, ये सरसों है और वो लाया, मतलब सरसों सॉरी ये वीट है गेहूं, और वो दिखाया था वो सरसों, इसे बोलते हैं रबी की फसल हिंदी में। अब रबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं, डिक्शनरी कर लेना। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।